बरसात की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में बादल फटने व पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा ही खौफनाक घटना घटी आज सोमवार की तड़के सुबह। रुद्रप्रयाग के शिवनंदी के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आया। गनीमत यह रही कि जब ये बादल फटा उस समय सड़क में कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। तड़के सुबह एक जोरदार धमाके के साथ शिव नंदी के निकट बादल फटा और देखते ही देखते पहाड़ी से एक जलजला सड़क पर आकर पसर गया। पहाड़ी से आए भारी मलबे एवं बोल्डर के कारण यहां पर NH को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं यहां पर काम कर रही एक प्राइवेट कंपनी की कुछ मशीनें, निर्माण सामग्रियां भी इस क्लाउड बर्स्ट की भेंट चढ़ गई हैं। सड़क में भारी मलबा आने के कारण यहां पर बद्रीनाथ NH दोपहर 2 बजे तक बंद रहा, जिस कारण से यहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। दोपहर लगभग 2 बजे के बाद बद्रीनाथ NH को खोलकर आवागमन शुरू किया गया। बादल फटने के कारण यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 8 घंटे बंद रहा और मुसाफिर हलकान रहे। मोस्ट आपको मैं बोलूँ तो 50 से 60 लाख। क्या क्या अंडरस्टैंड और लिकेज क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो हमारा GCB है, ठीक है, जिसके कारण और GCB तो ऑन द स्पॉट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हमारे पास बस गाड़ी व्हीकल जितनी है 16 टायर टाटा का, सॉरी 16-18 मॉडल, और हमारे जितनी सब लीवर जो जितने शोर में जो हमारा था मतलब ऑलमोस्ट बोलूँ तो आपको 5 से 6 लाख का सब लोग का शोर में सपोर्टेड। उसमें मोटर हो गया, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स वगैरह ये और बाकी हमारा सब। घटनाक्रम सुबह के 5:48 का है। हल्की हल्की बारिश थी 5 बजे से, तो अचानक जैसे बादल फटने की आवाज आई धड़ाम से, पूरा मलबा एक साथ विद इन 30 सेकेंड पूरा मलबा नीचे आया। भागने का भी मतलब मौका नहीं मिल पाया, सभी लोग यहाँ उस टाइम लगभग जग चुके थे, तो सभी ने देखा मंजर देखते हुए भयानक, बिल्कुल होशो हवास में सब लोग इधर उधर दौड़े, भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाई। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे काफी नुकसान हुआ, आपके सामने पूरी गाड़ियां डैमेज हो गई, JCB है, हमारे तेल के ड्रम है, पूरा स्टोर, किचन, कमरे, सभी चीज क्षतिग्रस्त हुई है। कितने लोग थे यहाँ समय? लगभग उस टाइम हम 12 लोग काम पे थे।